और जलील साहब इस वक्त के नहीं थे तो उनकी गैर हाजिरी में एक बात कही जा सकती है कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि जलील साहब जैसे दिग्गज राइटर कवि शायर उनके सानिध्य में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और जो उनकी जो हमको मार्गदर्शन देता है मुझे लगता है कि हम उसको प्रसाद के रूप में लें क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इस बात को हम काफी लोग महसूस करते हैं कि हम क्योंकि इसके मेंबर हैं और बाहर जाते हैं तो इस एसोसिएशन का जो लेवल है वो हम लोगों से नापा जाता है, तो बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी सी तो नहीं कहूंगा नज्म सुनाता हूँ और रिश्तों की जो उलझन होती है, रिश्तों में जो कसबसाहट होती है, हम में से कोई भी ऐसा तो नहीं है जो ये मानता हो कि रिश्ते बनेंगे तो टूटेंगे नहीं। हम सब जानते हैं कि बनते हैं तो टूटते भी हैं बेशक, लेकिन टूटने के तरीकों पर कई बार बहुत मलाल होता है। तो मेरी एक छोटी सी नज्म है इस पर कि टूटे इसमें कोई अफसोस की बात नहीं थी, किस तरह से टूटे, किस तरह से हम जुदा हुए, मैंने इसको उतारने की कोशिश की है। आशीर्वाद चाहूंगा कि हमें यूं ही बिखरना था शायद, हमें यूं ही बिखरना था शायद, इसलिए हम यूं ही बिखरे। हमें यूं ही बिखरना था शायद, इसलिए हम यूं ही बिखरे। ये रिश्ता जिसकी बुनाई में तेरे मेरे अश्कों के धागे थे, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये रिश्ता जिसकी बुनाई में तेरे मेरे अश्कों के धागे थे, ये रिश्ता जिसकी खुशी में हम तो कई रात जागे थे, ये रिश्ता जिसकी बुनाई में तेरे मेरे अश्कों के धागे थे, ये रिश्ता जिसकी खुशी में हम तुम कई रात जागे थे, निभ गया होता तो खुदा हो जाता, क्या बात है, निभ गया होता तो खुदा हो जाता, उम्र भर की इबादत दुआ हो जाता, पर हमें यूं ही बिखरना था शायद, पर हमें यूं ही बिखरना था शायद, इसलिए हम यूं बिखरे। संभलते संभलते फिसल ही गए हैं मोहब्बत के पांव वक्त की राह पर, क्या बात है, संभलते संभलते फिसल ही गए हैं मोहब्बत के पांव वक्त की राह पर, पिघलते पिघलते पिघल ही गए हैं ख्वाबों के साहिल हकीकत की बात पर, संभलते 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 फिसल ही गए हैं मोहब्बत के पांव वक्त की राह पर, पिघलते पिघलते पिघल ही गए हैं ख्वाबों के साहिल हकीकत की बात पर, वादों की बस्ती है अब एहसास पशेमानी में, वादों की बस्ती है अब एहसास पशेमानी में, तेरा मेरा किस्सा है अब गुजरी कहानी में, हमें यूं ही बिखरना था शायद, इसलिए हम यूं ही बिखरे। ये मोड़ जिससे आज तुमने मुझको सदा दी, ये मोड़ जिससे आज तुमने मुझको सदा दी, मैं सदियों तक इस मोड़ पर ठहरा हुआ था, ये मोड़ जिससे आज तुमने मुझको सदा दी, मैं सदियों तक इस मोड़ पर ठहरा हुआ था, कभी तुम न ला सके हदे दीद में मुझको, कभी आवाज पर मेरी दरारों का पहरा हुआ था। अच्छा, दिल ये कहता है कि मेरा कोई तेरे सिवा न था, दिल ये कहता है कि मेरा कोई तेरे सिवा न था, लोग ये कहते हैं तू मेरे हाथों की लकीरों में लिखा न था, हमें यूं ही बिखरना था शायद, इसलिए हम यूं ही बिखरे। और आखिर में जिसके लिए, जिस मलाल के लिए मैंने लिखा कि यकीनन वक्त की मजबूरियां नहीं ये, यकीनन यकीनन वक्त की मजबूरियां नहीं ये, तेरे मेरे निभाने के सलीके की खामियां हैं, यकीनन यकीनन वक्त की मजबूरियां नहीं ये, तेरे मेरे निभाने के सलीके की खामियां हैं, जुदा हो रहे हैं हम तुम दूर से अलविदा कहकर, जुदा हो रहे हैं हम तुम दूर से अलविदा कहकर, दरमियां पसरी क्यों इस कदर तलखियां हैं, जिस शख्स के संग मन से मन का वास्ता था, उससे जुदा होने का इससे बेहतर भी रास्ता था, पर हमें यूं ही बिखरना था शायद, इसलिए हम यूं ही बिखरे। हमें यूं ही बिखरना था शायद, इसलिए हम यूं ही बिखरे।